इस इको फ्रेंडली प्रोडक्ट में एक जबरदस्त, यानी मैं तब मैडम के लैंग्वेज में भी मैं कह सकता हूं कि शेर है कि जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स दे सकती है। उस वनस्पति का नाम है बांबू। बांबू आई मीन इट इज डिफिकल्ट, आई मीन जब आप बांबू के बारे में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कितनी सारी चीजें हैं बांबू के बारे में बताने के लिए, लेकिन आज मैं कुछ चंद चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारा ये जो एमसीएल का मिशन है कि हमें इस पूरे पर्यावरण संतुलन का ख्याल रखना है, इसमें बांबू की बहुत अहम भूमिका होने वाली है। और आज के दिन में यानी अभी के जो भी ट्रेंड या अभी जो भी परिस्थिति बनी हुई है उसमें बांबू का बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। तो चलिए जानते हैं कि बांबू यानी क्या। तो बांबू एक ऐसी वनस्पति है जो ग्रास तुरंत इस फैमिली से है। अभी हम सभी सीएनजी के लिए या हमारे बायोमिथेन तैयार करने के लिए इस नेपियर ग्रास को उगा रहे हैं, उसका काम कर रहे हैं, तो उसी ग्रास की फैमिली से है अपना बांबू। जब कोई वनस्पति ग्रास या तुरुण से आती है उसके बहुत सारे कुछ स्पेशल ऐसी चीजें होती हैं जो उसको खास बनाती है। दोस्तों पूरी दुनिया में ये बांबू ऑलमोस्ट 5000 सालों से लोग इसको जानते हैं। हर जगह ये आता है, हर जगह इसकी एक अपनी अपनी एक वैरायटी है और लगभग 1000 से भी ज्यादा वैरायटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड है। सिर्फ ऐसी जगह कि जहां बहुत ज्यादा ठंडा है वहां ये बांबू नहीं आती, बाकी पूरी दुनिया में ये बांबू आते हैं और इसको जानते हैं। दुनिया में आज की तारीख में लगभग 31 मिलियन हेक्टर यानी 3,10,00,000 हेक्टर इतने जगह पे आज बांबू उग रहा है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे ये फॉरेस्ट करके उग रहा है। ओके, और पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे ना तो मैक्सिमम जगह पे बांबू को अभी तक सिर्फ जंगल का एक पौधा करके ही देखा गया है, क्योंकि किसी भी एरिया को अगर आपको जंगल में कन्वर्ट करना है तो बांबू जैसा बेहतर कोई वनस्पति है ही नहीं। जिस तरह से किसी भी जगह पे बांबू आ सकता है, किसी तरह कैसे कम पानी में या जैसी अपनी परिस्थिति आजू बाजू की वो अपने खुद को उसमें डाल देता है, तो उसकी वजह से ये फॉरेस्ट अगर तैयार करना है तो सबसे इकोनॉमिकल, सबसे रिलायबल, सबसे भरोसेमंद अगर कोई पौधा है तो है बांबू। ऐसा करके आज तक पूरी दुनिया में बांबू को फॉरेस्ट का यानी भारत में भी बहुत देर तक ये सिर्फ फॉरेस्ट या जंगल में आने वाला पौधा ऐसे ही इसको देखते थे। ऑफकोर्स अभी इसको बगैर सिर्फ जंगल का ही नहीं तो जिसके साथ खेती कर किया जा सकते ऐसे सभी देशों ने ऑलमोस्ट इसका वर्गीकरण किया है। दोस्तों चाइना, ये पूरे बांबू का अगर आप इतिहास देखोगे तो इस सभी 5000 से भी ज्यादा साल का जो इतिहास है उसमें सबसे ज्यादा इसके बारे में अगर कुछ काम हुआ है, संशोधन हुआ है इसके ऊपर, लोगों ने बहुत सारी चीजें बनाई है, तो वह है चाइना। चीन का अगर आप देखोगे तो चीन के जो पुराने राजा वगैरह सब उनका था, वहां से लेके आज के जो सामान्य वासी जनता है, जो आम लोग है, वो भी बांबू का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यानी बांबू चीन की एक संस्कृति बन चुकी है। आज भी ये जो पूरा 31 मिलियन हेक्टर यानी 3,10,00,000 हेक्टर पे जो जमीन पे जो बांबू है उसमें से 80% जमीन वो एशिया, साउथ ईस्ट एशिया इन देशों में है जिनमें चाइना, भारत, वियतनाम, कंबोडिया ये सब देश आते हैं। तो जैसे चाइना का तो ज्यादा इतिहास है, चाइना के बारे में बहुत ज्यादा लिखा है, लेकिन भारत में भी उसका इतिहास बहुत ज्यादा है। दोस्तों अभी ये ग्लोबल वार्मिंग के सिचुएशन में बांबू बहुत अच्छा काम कर सकता है। कैसे मैं आपको बताता हूं। देखो ग्लोबल वार्मिंग हमें पता है कि हो रही है इस गैसेस की वजह से। नंबर वन जो शत्रु है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे ये जो पृथ्वी है उसके आजूबाजू जो वातावरण है उस वातावरण में, उस हवा में एक कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया और वो एनर्जी को खींच रहा है, वो गर्मी तैयार कर रहा है। ओके, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो बहुत सारी दुनिया के लोग इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं कि कैसे इस वातावरण से इस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालें, साफ करें वातावरण, हवा साफ करें इस कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कुदरत ने सबसे अच्छा तरीका जो मानव को हमको बताया है, सिखाया है, वो है पेड़। सिंपल पेड़ जो होते हैं, पेड़ के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी खाना है।
जिस कार्बन डाइऑक्साइड को साफ करने की हम लोग बात कर रहे हैं वो खाना है पेड़ों के लिए। पेड़ क्या करते हैं, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको लेते हैं, उसमें से जो कार्बन होता है उससे वो खाना बनाते हैं अपना, जो फिर हमको मिलता है कार्बन, और जो ऑक्सीजन है ना वो बाहर फेंकते हैं। यानी पेड़ एक ऐसी चीज है कि जो हवा शुद्ध करती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ती है। और दुनिया में ऐसे पेड़ जो बहुत ज्यादा ग्रो होते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो होते हैं, उनको बहुत ज्यादा खाना लगता है, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लगता है। तो दुनिया में ऐसी वनस्पति जो सबसे ज्यादा बढ़ती है, फास्ट बढ़ती है, और जिनको जो सबसे ज्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड ले सकती है, उसमें एक वनस्पति है बांबू। बांबू आप सोच नहीं सकते, कुछ ऐसी वराइटीज है बांबू की जो एक दिन में 3 फुट इतनी बढ़ती है। ऐसी वराइटीज है कि जो एक घंटे में 2-2 इंच बढ़ती है। ऑफकोर्स इसके साथ हम लोग जो कर रहे हैं नेपियर ग्रास, वो भी बहुत अच्छा सक्षम है ये सब करने में, बहुत फास्ट ग्रो करता है। कितनी ज्यादा पर एकड़ पर हेक्टर वो आमदनी देता है हमें पता है। लेकिन बांबू के ऐसे स्पेशल वराइटीज है जो इस कार्बन डाइऑक्साइड को साफ करने में बहुत अच्छी मदद कर सकता है। तो इसलिए जो हम लोग साइंटिस्ट जो सोच रहे हैं कि कैसे इस कार्बन डाइऑक्साइड को हटाए इस वातावरण से, बहुत अच्छा ये उपाय है। अगर जितना बांबू का मास है, वनस्पति का मास, उतना ही मास का कोई भी पेड़ अगर दुनिया में, तो ये बांबू 5 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो जितना बांबू का जो मास है, वैसे ही दूसरा अगर आप लेंगे, दूसरी कोई भी पेड़, तो 35% वो ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए सबसे बढ़िया है बांबू। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम बांबू करता है दोस्तों, शायद आपको पता नहीं, लेकिन हमारे अभी यही एक रिपोर्ट आया है पिछले साल कि दुनिया की लगभग 75% जमीन जो मिट्टी है वो डिग्रेड हो चुकी है। यानी जिस मिट्टी से हम लोग अभी खेती कर रहे हैं, ये सब कुछ है, वो मिट्टी 75% जो जगह है वहां डिग्रेडेड हो चुकी है। यानी आपको क्या लगेगा कि नहीं, ऐसे बैरन बंजर जमीन है या रेगिस्तान है, वही आपको लगेगा कि डिग्रेडेड लैंड है? बिल्कुल नहीं। आप जहां खेती कर रहे हो अगर वहां खेती की आपकी उत्पादकता बढ़ रही है तो भी वो डिग्रेडेड लैंड है। यानी आपकी मिट्टी की फिजिकल यानी भौतिक, बायोलॉजिकल, जैविक और केमिकल यानी रासायनिक अगर प्रॉपर्टीज कम हो रही है, उसके गुण कम हो रहे हैं, तो आपकी जमीन डिग्रेड हो रही है। और 75% ऐसा सब कुछ हो रहा है। और इसमें भी बहुत अच्छा काम कर सकता है बांबू। दोस्तों बांबू जो है ना, बांबू का अगर आप देखोगे कि किस तरह बांबू बढ़ता है, बांबू अपने साथ पूरी जो आजूबाजू की जमीन है उसको होल्ड करके रखता है। ये जमीन जो बहुत सारे डिग्रेडेशन तो इसकी वजह से हो रहा है कि जमीन के ऊपर से जो मिट्टी है वो जा रही है, उड़के जा रही है, लीचिंग हो रही है, सब कुछ इसको बांध के रखता है ये बांबू। बांबू की ग्रोथ अगर आप देखोगे ना कि बांबू कैसे बढ़ता है, तो ऊपर तो पेड़ बढ़ता ही है लेकिन बाजू में भी बढ़ता है। आपको सबको पता है कि पेड़ से ऊपर जाता है, लेकिन बांबू ऐसा है कि ऊपर भी बढ़ता है और आजू बाजू भी उसके शाखाएं निकलती है। तो वो इतना जो भी जहां भी रहता है बांबू, वहां की पूरी जो जमीन है उसको वहां एक तो माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ाता है, उसमें ऑक्सीजन डाल देता है, हमको पता है, और ये सभी चीजें करके आजू बाजू की जो जमीन है वो उसको ज्यादा उपजाऊ बनाता है। अभी ऐसे कितने सारे डिग्रेडेड खराब हुई जमीनें हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये माइनिंग का भी है, ये ओपन जो खुली जो खदाने हैं, इसका उसे न जाने कितने जमीन हम लोगों ने बर्बाद की है, बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो पावर प्लांट्स है, कोयले के ऊपर चलने वाले ये जो बिजली बनाने वाले प्लांट्स है दोस्तों, ये जो कोयला जलता है ना, 30% राख तैयार करता है राख, और वो राख वो जो प्लांट है उसके आजू बाजू की जमीन में वो राख फैलती है। और हमने देखा है कि इस राख से पानी, जमीन, आकाश यानी हवा पूरा पोल्यूट होता है, लेकिन जमीन तो बुरी तरह से खराब होती है। और इसी के देखो ऐसी एक जमीन है जिसे जिसे एश पॉन्ड भी कहते हैं, कि एश यानी
पूरा वो आजूबाजू का इलाका सिर्फ राख का बन जाता है। तो ऐसे राख ऐसे इलाके बन जाते हैं कि जहां कोई भी पौधा आ नहीं सकता, कोई भी पेड़ आ नहीं सकता। ऐसे जगह पे बांबू क्या कर सकता है, देखिए आप, एक साल के बाद सेम जगह पे बांबू ने क्या किया कि सेम जमीन है, सेम जमीन है, वहां एक साल के बाद बांबू प्लांटेशन में ऐसा बदलाव हुआ है। और ऐसा नहीं, ये भी वैसी जमीन है, ये भी वैसी जमीन थी कि जहां कुछ भी पॉसिबल ही नहीं था। और मैं तो कहता हूं कि अगर आप जाके पढ़ोगे कि बांबू से कितने सारे एग्जाम्पल आपको अपने राज्य में मिलेंगे, अपने आजूबाजू मिलेंगे कि बांबू ने किस तरह से जमीन को उपजाऊ बेहतर बनाया है। दोस्तों इतना ही नहीं, एक सबसे इंपॉर्टेंट काम बांबू करते जो शायद कोई दूसरा नहीं कर सकता, वो है जो जमीन में हमें जब खदाने होती है तो खदाने के साथ बहुत सारे हेवी मेटल्स हम लोग बाहर निकालते हैं, बराबर है, जो कुदरत ने अंदर डाल के रखे हम लोग उसको निकाल रहे हैं। और ऐसे ऐसे मेटल्स है कि जिस जो मेटल्स नॉन कार्सिनोजेंस है, कि जिससे पता है पूरी दुनिया को किससे कैंसर होते हैं, पानी में जा रहा है, जमीन पे जा रहा है, हवा में जा रहा है, और ये जमीन में जो अभी जा रहे हैं ये सभी जो मेटल्स हैवी मेटल्स, उसको कैसे निकालेंगे आप? तो इसको निकालते हैं बांबू, ये सभी जो मेटल्स है उसको इकट्ठा करके उसको निकाल देते हैं बांबू। आपको कई सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेगी जहां बहुत खराब से खराब जो जमीन है उसको बांबू ने बेहतर अच्छी बनाई। लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब अनुभव की वजह से जापान पूरी तरह से राख हो गया था, उसके ऊपर तो ऐसा समझे कि मिट्टी बची नहीं थी कहीं, सही में पहला जो पौधा हुआ वो था बांबू। तो चलिए देखते हैं बायोफ्यूल। दोस्तों बांबू एक ऐसा पौधा है, एक ऐसी वनस्पति किसी तरह के बायोफ्यूल को तैयार करने में उसकी मदद होती है। ओके, तो सबसे पहला बायोफ्यूल जो हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, ओके, तो पहला जो बायोफ्यूल है उसको लिक्विड बायोफ्यूल। इसमें कौन से बायोफ्यूल आते हैं? तो दो तरह के आते हैं, एक इथेनॉल, दूसरा बायोडीजल। बायोइथेनॉल जो है वो पेट्रोल के लिए चलता है, आप 100% पेट्रोल को रिप्लेस कर सकते हैं बायोइथेनॉल के साथ, और बायोडीजल जो डीजल को रिप्लेस करेगा। अभी हमने देखा कि कुछ दिन पहले गवर्नमेंट में घोषणा की है कि आने वाले दिनों में ऐसे इंजन आएंगे कि जिनमें नॉर्मल ये फॉसिल पेट्रोल के साथ बायोइथेनॉल भी रहेगा, नॉर्मल डीजल के साथ बायोडीजल भी रहेगा, इसे फ्लेक्स इंजन कहा जाएगा। दोस्तों इस लिक्विड बायोफ्यूल में बांबू एक बहुत जबरदस्त सोर्स है बायोइथेनॉल का, क्योंकि इस बायोइथेनॉल के लिए क्या चाहिए होती है? शुगर। इसके चाहिए होती है कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट, ये शुगर इस बांबू में भर भर के है। इसी शुगर का कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन होता है और वो अल्कोहल बनता है। तो ये बनाने के लिए हमारे यहाँ बांबू सब ऐसा रॉ मटेरियल है। बहुत सारे प्लांट दुनिया में इसके ऊपर भी चल रहा है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा बायोइथेनॉल कोई बनाता है तो वह ब्राजील और अमेरिका, और उसके लिए जो रॉ मटेरियल वो लोग इस्तेमाल करते हैं वो है कॉर्न। ओके, तो ये कॉर्न यानी बुटिया जो हम लोग खाते हैं उसके कंपैरिजन में अगर बांबू को देखोगे तो बांबू बहुत ज्यादा बायोइथेनॉल तैयार करता है इसके कंपैरिजन में। इसके अलावा हमारे देश में भी अभी बायोइथेनॉल के बहुत सारे प्लांट शुरू हो रहे हैं, लग चुके हैं। शुगर की जो इंडस्ट्री है उससे मोलासेस के ऊपर बायोइथेनॉल के प्लांट हो रहे हैं, बाकी कई जगह रहे, कुछ लोग बांबू से कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां ये प्लांट है वहां वहां हम लोग अपना ये बांबू को रॉ मटेरियल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो बायोफ्यूल है वो क्या है? वायु रूप बायोफ्यूल, यानी हमारा बायोमिथेन, हमारा मिथेन जिसके लिए जिसके ऊपर हम लोग सभी काम कर रहे हैं। अभी ये मिथेन ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सीएनजी करके, हम लोग घरेलू इसमें रसोई में इस्तेमाल कर सकते हैं कुकिंग के लिए, और इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बायोमिथेन किससे बनता है? बायोगैस से। और ये बायोगैस बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल करके जो हमें बायोमास चाहिए, जैसे हम लोग निपर गैस की बात करते हैं, वैसे सिर्फ बायोमास करके भी बांबू का उपयोग हो रहा है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे देश में साउथ ईस्ट एशिया में जैसे चाइना, वियतनाम, कंबोडिया में, वहां बायोगैस बनाने के लिए बांबू का इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमने देखा कि कितना फास्ट ये बांबू ग्रो करता है।
वैसे ही तीसरा है सॉलिड बायोफ्यूल यानी घन रूप बायोफ्यूल। अब इसका एग्जांपल क्या है, तो इसका यानी ऐसे बायोफ्यूल की जो कोयले को रिप्लेस कर सकते हैं। अभी कोयले को रिप्लेस करने वाले जो सॉलिड बायोफ्यूल, इसमें बांबू का रोल बहुत ही अहम है दोस्तों। बांबू से जैसा हमने देखा कि बहुत सारा बायोमास तैयार होता है और उससे बहुत ज्यादा ये बायो कोल यानी कोयला तैयार हो सकता है, बांबू का कोयला तैयार हो सकता है। लेकिन हम लोग कौन सी भाषा में कौन से शेप में उसे करते हैं, तो ये शेप है, पिलेट्स है, ब्रिकेट्स है, तो ऐसे हम लोग तैयार करके उसको कोयले की जगह में इस्तेमाल कर सकते हैं और बांबू से बहुत ज्यादा ये तैयार होता है। इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं कि एज अ प्रोडक्ट आप देखोगे तो कोयला, नॉर्मल जो कोयला आपको मिलता है ना, उससे कई बेहतर है बांबू का कोयला। कैलोरीफिक वैल्यू, उष्मांक अगर आप देखोगे तो बांबू का बहुत बेहतर है। और ये हमारे, हमें पता है कि हमारे यहाँ जो कोयला मिलता है वहां से 30-40% कभी कभी उससे राख तैयार होती है। और हमारा जो बांबू से बना हुआ कोयला है उससे सिर्फ 1% और मैक्सिमम 2% कितनी राख तैयार होती है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी भी बन सकती है बांबू से। इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले, बिजली बनाने वाले, आज की तारीख में भी हमारे देश में 55% जो बिजली बन रही है ना, 55% बन रही है इस कोयले से। और उसके बाद फिर आपका नेचुरल गैस है, रिन्यूएबल है, सब कुछ बाद में है। दुनिया में भी परसेंटेज यही है, 55% से 60% बिजली आज की तारीख में दुनिया में कोयले से बन रही है। और इस कोयले को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं अपने इस कोयले के साथ। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने अभी एक पॉलिसी लाई है, अभी नहीं बहुत दिन से वो पॉलिसी है कि ये सभी जहां जहां कोयला इस्तेमाल होता है ना, वहां आप इस बायोकोल यानी सॉलिड बायोफ्यूल को आप इस्तेमाल कीजिए। अभी तो गवर्नमेंट ने टारगेट भी रखा है कि जितने भी प्लांट अभी अपने भारत में चल रहे हैं और जितनी बिजली बन रही है कोयले से, उसको 100%, पहले तो 5% सभी वाले जो कोयले हैं उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे बायोकोल के साथ, और इसमें बांबू बहुत काम आ सकता है। तो सभी जो कोयले के प्लांट चल रहे हैं पहले लक्ष्य रखते हैं 5% का, कि 5% जो कोयला है उसको रिप्लेस करेंगे बायोकोल के साथ, और उसके बाद 10%, 20% ऐसी गवर्नमेंट की ऑलरेडी पॉलिसी है। दोस्तों बांबू स्ट्रांग है। बांबू स्ट्रांग कैसे है कि अगर आप सुन के चकित हो जाओगे, लेकिन बांबू की ताकत है। ऐसे कहते हैं कि सेम वजन का जो कॉन्क्रीट की बात करते हैं आप, उससे बेहतर, उससे ज्यादा स्ट्रेंथ इसमें बांबू की हो सकती है। अगर आपने सुना होगा या आपने देखा होगा, अगर आपको आप ऐसा समझते हैं कि बांबू हमेशा खाली होता है, तो ऐसा नहीं। बांबू ऐसा भी होता है जो आप देख रहे हैं, पूरा सॉलिड, पूरा भरा हुआ और पूरी ताकत उसमें रहती है, क्योंकि कुदरत ने बांबू को बनाया ही ऐसे। अगर आप उसको, उसका जो कंपोजिशन देखोगे तो उसमें लिग्निन, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, इसका एक ऐसी तरह से कॉम्प्लेक्स है, और इस तरह से उसने बांध के रखा है कुदरत ने बांबू को कि उसमें वो ताकत आती है। उसकी अगर मैं एनाटॉमी की बात करूं, फिजियोलॉजी की बात करूं, तो आपको समझेगा कि उस बांबू को क्यों, उसके हर इसमें वो नोड है। ओके, इस हर चीज की कुदरत ने बनाया हुआ, हर चीज की कोई एक विशेषताएं है और उसका एक उपयोग है कि जिस तरह से उसने इस बांबू को बनाया। दोस्तों ये बांबू फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल यानी कैसे कि जितनी लवचिकता बांबू में है वो बहुत ही जबरदस्त है। और वो भी ये है कि मैंने सिर्फ कंपोजिशन बताया आपको कि उसमें लिग्निन है, हेमीसेलुलोज है, सेलुलोज है, लेकिन जिस तरह से वो रहता है बांबू में, इस तरह से है कि वो बहुत अच्छी तरह से उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी लवचिकता बढ़ती है। और यही कारण है कि हम ऐसे जो स्ट्रक्चर्स है, देखो ये स्ट्रक्चर एक तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, नंबर वन। नंबर टू, जिस तरह से ये 100% बांबू का बना हुआ है, बांबू का ऐसा इतना बड़ा स्ट्रक्चर, और जिस तरह से उसको बनाया है उसकी जो लवचिकता है, जो ताकत है, वो बांबू की वजह से आती है। कुदरत ने जिस तरह से उसको बनाया उसके वजह से आती है। इसीलिए कंस्ट्रक्शन में अगर आप देखोगे तो बांबू का क्या स्थान है, तो हम लोग जानते हैं कि स्कैफोल्डिंग
यानी बिल्डिंग में अगर बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्डिंग को कलर देना है या बिल्डिंग में कुछ काम करना है तो आपको पता है कि वो बाम्बू का वो मचान तैयार करते, अभी कई कई जगह पे वो मेटल का करते, लेकिन मैक्सिमम जगह पे आज भी सिर्फ और सिर्फ बाम्बू की मचान तैयार करते मैक्सिमम शहरों में हर जगह, क्योंकि बाम्बू में वही बाम्बू का वजन इतना कम है और वजन के मुकाबले ताकत इतनी है, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि आज भी सभी मैक्सिमम देशों में सिर्फ और सिर्फ बाम्बू का इस्तेमाल करते। और दोस्तों ये इस्तेमाल आज का नहीं है, 5,000 साल से कोई भी चीज बनाने के लिए बाम्बू का ये मचान बनाने के लिए स्कैफोल्डिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और आपको लगता होगा छोटी छोटी चीज बनाते हैं आप, छोटी अगर इमारत हो छोटी व्यवस्था है तो इसलिए बाम्बू का इस्तेमाल करते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखिए ये बहुमजली यानी स्काई स्क्रैपर गगनचुंबी इमारत जिसको बोल सकते हैं ना, वो इमारत है 100% स्कैफोल्डिंग है बाम्बू के। और ये सब मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, ये एक्चुअली दोस्तों बाम्बू में ऐसा कहा जाता है कि ऑलमोस्ट दुनिया के 1 बिलियन 100 करोड़ लोग हैं। इतना बाम्बू यानी बाम्बू बहुत सारे देशों में, जो हमने अभी साउथ साउथ ईस्ट ये जो देश में थे भारत से लेके चाइना, ये सब सब ये सभी देशों में बहुत सारे लोगों के लिए बाम्बू बनाने का एक साधन है, इनसे बनता है उनके अगर ईटों से बीटों से नहीं, और 100 करोड़ लोग उसमें रहते हैं। लेकिन बाकी के लोग भी अभी क्या इस पे बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं, बाम्बू से कैसे सस्ते कैसे अच्छे घर बना सकते हैं इस तरह। अभी देखे ये कपल है जो इन्होंने अपना खुद का घर ऐसा बनाया, आर्किटेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन इसके पीछे, एक तो हम लोग समझते हैं कि बाम्बू से करना कितना इको फ्रेंडली है, बट मैं आपको एक बात बताऊं कि जो कंस्ट्रक्शन हम लोग जो सीमेंट स्टील का सब उपयोग करते हैं और इसे सब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तैयार करते हैं, क्या आपको पता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हम लोग करते हैं बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बात कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा मेन शत्रु है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। जितना कार्बन डाइऑक्साइड ये पेट्रोल डीजल जलाने से आ रहा है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड ये कंस्ट्रक्शन से आ रहा है, थोड़ा सा कम हो सकते हैं कि सभी जो इमारतें हम लोग बना रहे हैं सभी जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा सोर्स है इस ग्लोबल वार्मिंग का, और ये हमें पता ही नहीं, इसलिए आज के दिन में काम कर रही है ऐसे स्ट्रक्चर्स पे ऐसी चीजों पे कि जिससे ये कार्बन नहीं बढ़ेगी, और इसीलिए लोग पूरी दुनिया आज के दिन में काम कर रही है। एक तो ऐसे घर हमारी हमारे गांव की एक बहुत सॉल्व करने वाले सुलझाने वाले वो है अफोर्डेबल हाउसिंग, बहुत कम दाम में ऐसे घर बन सकते टिकाऊ बन सकते। अगर आपको लगता है कि इनकी उम्र क्या है तो आपकी इसकी चिंता की, इसके साथ ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर जब बनाए जाते हैं, यानी आपको लगता होगा कि बाम्बू से सिर्फ छोटे छोटे घर बनते हैं, तो बिल्कुल ऐसा आप जो चाहिए एक एम्पी थिएटर ये बना है बम्बू से, प्रॉपर थिएटर। अभी ये थिएटर देखो इसमें रंगमंच है, पूरा थिएटर ही है ये, पूरा थिएटर 100% बम्बू से बना है। अभी आप सोचेंगे कि कैसे बनेगा ये बम्बू, कैसे इतने साल जिएगा, कैसे ये बम्बू जो हम लोग सीमेंट से करते हैं बाकी चीजों से जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, बाम्बू कैसे उसको कॉम्पेट करेगा, कैसे उसको रिप्लेस कर सकता है, इतने साल तक बाम्बू कैसे रह सकता है जैसे बाकी के स्ट्रक्चर रहते हैं, जैसे ईटे रहती है सीमेंट रहता है। तो दोस्तों ये सभी जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसके लिए बाम्बू को स्पेशल उसकी ट्रीटमेंट होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाम्बू को तो पहले इतनी सारी जो वराइटीज है हजारों वराइटीज उसमें चुनते हैं कि इस कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा बाम्बू आपको चाहिए, नंबर वन। नंबर टू उसकी सही एज उम्र जो है वो करते हैं, और फिर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, यानी उसकी कैसे वो आगे के 20 साल 30 साल जिएगा, इसको कैसे इसकी उम्र बढ़ेगी
उसके लिए प्रॉपर बहुत सारी प्रक्रिया है, यानी एक पूरा वेबिनार हो सकता है सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ बॉम्बू के ऊपर, ऐसी टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हो चुकी है। दूसरा, उस बाम्बू जैसे वो वनस्पति है उसको फंगस दिमक लग सकता है, कुछ दूसरी बीमारियां हो सकती है, तो कोई भी आगे के 30 साल तक कोई बीमारियां ना हो इसके लिए भी प्रॉपर उसके उसकी ट्रीटमेंट होती है। कई हफ्तों तक ये ट्रीटमेंट चल सकती है, 2 से 3 हफ्ते तक ये ट्रीटमेंट चलती है। और ये सभी ट्रीटमेंट, ये सभी जो होता है ना, ये बहुत ही इको फ्रेंडली चीजों में होता है, कोई भी केमिकल्स वगैरह इसमें ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। जो भी आजू बाजू जो मिलता है ना, तो ये हजारों सालों से इसके ऊपर ये प्रक्रिया हो रही है, और फिर बनता है ऐसा बाम्बू, फिर बनता है ऐसा बाम्बू जो बाम्बू फिर आपको वो ताकत देगा, वो स्ट्रेंथ देगी, वो लवचिकता फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगी, और ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर तैयार होंगे। आज की तारीख में ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन रहे हैं जो 100% बाम्बू से बन रहा है। ये देखिए, ये पूरा स्कूल है जो बाम्बू का बनाया, स्कूल है पूरा, पूरी जो स्ट्रक्चर स्कूल की बिल्डिंग है वो 100% बाम्बू से बनाएंगे। ये रोड है, रोड के आजू बाजू उन्होंने दीवारें तैयार नहीं की सीमेंट की, तो उन्होंने ये बाम्बू के स्ट्रक्चर तैयार किए और उसको रखा है। ये 7-स्टार होटल है, अभी 7-स्टार होटल यानी ऐसा मत समझे कि आप, ये 7-स्टार होटल का पूरा रेस्टोरेंट 100% बन चुका है बाम्बू का। देखिए उसका उसकी लेंथ देखिए, हाइट देखिए, इतने हाइट पे जो उन्होंने वो कैनोपी तैयार की है वो देखिए, ये 100% बन रही है बाम्बू से। बाम्बू रोड में भी इस्तेमाल होते हैं, ऐसे रोड जो बहुत सारे पानी की वजह से ढह जाते हैं, तो उसकी ताकत बनाने के लिए बाम्बू का रोड में बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है। बाम्बू फ्लोरिंग में इस्तेमाल होता है, यानी आप देखोगे अभी ऐसी जो फ्लोरिंग है जो नीचे का आपने देखा होगा कि ऐसे लैमिनेट्स मिलते हैं, मैं लैमिनेट्स की बात नहीं कर रहा हूं, लैमिनेट्स जो टाइल्स बोलते हैं जिसे, ऐसे सेम देखने वाले टाइल्स भी मिलेंगे, लैमिनेट्स भी मिलेंगे, वैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रॉपर ये बाम्बू की बनाई हुई फ्लोरिंग। और दोस्तों, कौन सी चीज के लिए आपको बाम्बू चाहिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए, या स्ट्रक्चर बनाना है, या ऐसा फ्लोरिंग तैयार करना है, हर तरह का बाम्बू है। और जिस तरह का बाम्बू की वराइटीज अगर आप लोगे ना, उस तरह की उसकी ट्रीटमेंट होती है, प्री प्रोसेसिंग होती है, और तब जाके वो प्रोडक्ट ऐसा बनता है कि जिसके ऊपर आप 100% भरोसा रख सकते हो। बाम्बू का फर्नीचर, दोस्तों आप सोच नहीं सकते, जो भी फर्नीचर आज आपके घर में है, ऑफिस में, आजू बाजू में, 100% हम लोग आज बाम्बू से बना सकते हैं सब कुछ, स्टोरेज से लेके हर तरह का फर्नीचर आज बाम्बू से तैयार हो सकता है। आपको लगेगा कि नहीं, ये बाम्बू तो एकदम ऐसा लो क्वालिटी का फर्नीचर तैयार करता है, तो बिल्कुल नहीं, सबसे जबरदस्त मॉडर्न रिच लुक वाला फर्नीचर तैयार होता है। और अगर मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर पढ़ाई करें और देखें, यानी एक एक चीज को, यानी इतना टाइम नहीं मेरे पास कि हर एक चीज को मैं आपको दिखा दूं, ये हर चीज को अगर आप देखोगे कि किस तरह से बनाया है, तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि इतना कुछ बन सकता है, ऑलमोस्ट सब कुछ बन सकता है, ऐसी कोई भी चीज नहीं, सिर्फ बहुत बड़ी बहुमंजिली इमारत नहीं बना सकते ऐसा मुझे लगता है, लेकिन मुझे पता नहीं है, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो हर चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करा के दे सकता हूं कि कैसे इन्होंने बनाया है बाम्बू, किस तरह से उसको प्री ट्रीटमेंट किया है, किस तरह का उन्होंने वैरायटी चूज किया है। तो आज एक बहुत बड़ा वर्क ऐसा है कि जो आर्किटेक्चर का है, कंस्ट्रक्शन का है, और जो भी बाम्बू के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके आइडियाज के ऊपर काम कर रहे हैं, और एक्चुअली ऐसे सब स्ट्रक्चर्स दुनिया में भी बन रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि बाम्बू सिर्फ ऐसे हार्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम आते हैं, स्मूथ मुलायम ऐसे कपड़े बनाने के लिए भी बाम्बू काम आते हैं। ये जो कपड़े आप सामने देख रहे हैं, ये बाम्बू के बनाए हुए कपड़े। आपके घर में जो भी एक्सेसरीज है आज आप हर दिन जो इस्तेमाल करते हो, कोई प्लास्टिक की बन रही है, कोई रबर की बन रही है, ये सब कुछ 100% बाम्बू की बन सकती है, बन रही है, लोग इसको बना रहे हैं, लोग इसको बेच रहे हैं, और ये दिखने में बहुत अच्छी होती है, यानी बाम्बू हमें पता भी नहीं चलेगा कितनी सुंदर ये है। बाम्बू की खिलौने, ये पूरे खिलौने बने बाम्बू से,
हर तरह का खिलौना बन सकता है बांबू से। यहां तक के कुछ कंपनियां ऐसी है जो 100% सिर्फ और सिर्फ बांबू के खिलौने बनाती है और दुनिया में बेचती है। उसमें एक ये कंपनी है हिप टॉयज, और इसके टॉयज मैं चाहता था कि इसके बहुत सारे चित्र सिर्फ आपके खिलौने को बताओ कि बांबू से ऐसे खिलौने बनते हैं, यानी जो आप देखते हैं ना प्लास्टिक से और सब बन रहे 100% वैसे खिलौने बन रहे हैं आज बांबू के, ये कंपनी बनाती है। यहां तक के हर वो चीज जो आज आप शायद लेदर से बना रहे हो, शायद आप प्लास्टिक से बना रहे हो, हर वो चीज बनाई जाती है जैसा आपको टेक्सचर चाहिए, जिस तरह की उसकी क्वालिटी चाहिए, जिस तरह की स्ट्रेंथ चाहिए, सब कुछ बांबू में अवेलेबल है, मिलता है। सिर्फ आपको वो करने के लिए राइट तरह का बांबू चाहिए, उसकी वैरायटी चाहिए और उसको प्रॉपर वो प्रक्रिया और जो टेक्नोलॉजी वो चाहिए कि जिसकी वजह से ये सब बनेगा। दोस्तों बांबू कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाता है और ये सब जो मुझे दिखाए वो मैंने दिए, लेकिन कई सारे है उसमें। बांबू पेपर बनाता है, पेपर न्यूज़पेपर की जो रद्दी है उससे लेके हम जो लिखते हैं नोटबुक, और हर कोई आज इस पेपर के लिए कई सारे जंगल को काटा जा रहा है, बड़े बड़े पेड़ को काटते हैं। और अब देखो हम जहां भी इंडस्ट्री है कागज बनाने की, वहां देखिए हम रॉ मटेरियल कहां से आता है, पढ़ाई कीजिए ना। आजू बाजू जिस राज्य में आप रहते हो वहां अगर कोई पेपर की गिरनी है, पेपर की मिल है, तो किस कहां से आता है आज रॉ मटेरियल देखिए। लेकिन इस सभी जो रॉ मटेरियल इसको 100% रिप्लेस कर सकता है बांबू। आपको जैसा चाहिए पेपर, जिस तरह का क्वालिटी का पेपर आज बांबू से बनता है, लोग बना रहे हैं, लोग बेच रहे हैं, जो आप देख रहे हैं नोटबुक 100% बांबू की है। इसके आगे जाके बांबू इतना स्मूथ पेपर बना सकता है जो टिश्यू पेपर है, अपना 100% टिश्यू पेपर बन सकता है बांबू से, बन रहा है बांबू से। और इसके आगे जाके जो नेचुरल डायपर्स है ना, डायपर्स बच्चों को जो हम लोग डालते हैं, वो डायपर्स भी 100% बांबू से बन रहे हैं। और इसकी खास बात यह है कि आप इसकी एंटीबैक्टीरियल जो एक्टिविटीज, क्योंकि कुदरत ने इसके बनाया तो इतना उसमें गुण है कि 50 बार भी इसको धोए ना तो भी उसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी कम नहीं होती। बांबू खाना भी है, आप चाइना में जाओगे, वियतनाम में जाओगे तो बांबू की स्पेशल डिशेस आपको वहां रेस्टोरेंट में मिलेगी, वो लोग भी खाते हैं और बाकी के जानवर भी खाते हैं, सबके लिए खाना है। बांबू के मेडिसिनल पर्पज है दोस्तों, मैं इनफैक्ट इतने सारे पर्पजेस है बांबू के, तो के हर पर्पज के ऊपर, हर उसकी विशेषता है ना, उसके ऊपर मुझे एक स्पेशल सा एक प्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा, एक स्पेशल एक दूसरा वेबिनार लेना पड़ेगा, इतना ज्यादा है इस बांबू का। और ये बांबू आज से नहीं, आज से डेवलप हो रहा है और उसकी कुछ दवाई है ऐसा नहीं, तो कई दिन से, सैकड़ों दिन से ये हो रहा है। आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन बांबू इस दुनिया का सबसे पहला इरिगेशन सिस्टम, ये जो आज प्लास्टिक के पाइप होते हैं, बाकी कुछ मेटल के पाइप होते हैं, पहले वैसा कहाँ होता। तो हजारों सालों से जो व्यवस्था बनाई है पानी की, इरिगेशन की, ये बन रही है बांबू से। दुनिया का सबसे पुराना अगर पानी का पाइप कौन सा है तो है बांबू। तो ऐसे बांबू की जिनकी जो वॉल है वो बहुत थीन है और उसमें बहुत सारा जगह है जो खाली है, वो फिर इसके लिए काम आता है। लेकिन आज की तारीख में कई सारे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम 100% बन रहे हैं बांबू से, क्योंकि अदरवाइज हम लोग देखते हैं वो प्लास्टिक से बन रहे हैं, रबर से बन रहे हैं, लेकिन उसको 100% बांबू से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये बांबू बहुत सारा काम आता है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में। हमारे ही देश में नॉर्थ ईस्ट में कई सारे ऐसी जगह है कि जहां बरसात का पानी उसको स्टोर किया जाता है, उसका हार्वेस्टिंग होती है इस सब बांबू के सिस्टम से। बांबू अपनी ये जो वेल होती है, ये कुएं होते हैं, इसके लिए भी काम आते हैं। कुएं के बाजू जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं उस करने की जरूरत नहीं, आप बांबू का कर सकते हो। लेकिन इसके ऊपर एक बहुत अच्छा जबरदस्त इतिहास है दोस्तों। 2500 सालों से चाइना में इसका इस्तेमाल हो रहा है कुएं खुदवाने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि 200 BC और 200 AD, इन जो 400 साल है इसके बीच में एक बार चाइना में वहां के राजा ने एक बहुत बड़ा कुआं खोदा। उस कुएं की जो लेंथ थी वो 1600 मीटर, इतना डीप, इतना नीचे कुआं खोदा गया इस बांबू के साथ।
तो ऐसी टेक्नोलॉजी वो डेवलप की थी चाइना ने इसके लिए, और ये टेक्नोलॉजी अंग्रेज को बाद में समझी 19वें शतक में जब क्रूड ऑयल निकला। और ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहला जो क्रूड ऑयल के लिए जो वेल या जो कुआ बना, वो कुआ इसी टेक्नोलॉजी से बना। लेकिन आज भी ये कुएं के लिए बांबू का इस्तेमाल हो रहा है। आज भी जो आप देख रहे हैं वैसे बांबू की बनी हुई कुएं लोग बना रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में बना रहे हैं, बाकी के देश में बना रहे हैं। और इस बांबू से यानी आप सोचेंगे 100% टूथब्रश बनाए जाते हैं, ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं वो बनाए जाते हैं, इस बांबू से वॉचेस यानी ये घड़िया आपको जो नजर आती है ये 100% घड़िया बांबू की बनाई हुई है। और ऐसे नहीं ये बहुत सस्ती है या इसको ज्यादा कुछ ये नहीं करते, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ये फैशन की दुनिया में आज की तारीख में ये बहुत ही जबरदस्त सा ट्रेंड है। और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत घड़िया है और ये 100% बांबू से बनाई दोस्तों। इसके अलावा इस बांबू से ये साइकिल, आपको नॉर्मल जो साइकिल आप खरीदते हैं ना उसके जितने भी प्रकार है ना उतने सब प्रकार बांबू की बनी हुई साइकिल में भी है, यानी रेसिंग की साइकिल, नॉर्मल अपनी साइकिल, और आपके नॉर्मल साइकिल में जो ताकत आपके उस मेटल के ढांचे में है ना वो सेम ताकत हमारे इस बांबू के ढांचे में भी है। कंप्यूटर के सभी एक्सेसरीज सब कुछ यानी आपका कीपैड से लेके माउस से लेके स्पीकर से लेके सब कुछ बांबू में बन सकता है, बन रहा है। यहां तक के लैपटॉप हम लोग देखते हैं लैपटॉप किससे बनता है, तो मेटल की पूरी उसकी डिजाइन होती है, ढांचा होता है, वो 100% ढांचा अभी बांबू से बनाया जा रहा है। बांबू से अभी ये जो कंपनी है सिर्फ लोकल कंपनी नहीं तो इंटरनेशनल ब्रांड भी अभी बांबू से लैपटॉप बना रहा है और मार्केट में ला रहा है। बांबू से बियर बन रही है और ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये कोई भी चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि ये एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली लोग तैयार कर रहे हैं और बेच रहे हैं। बियर भी लोग तैयार कर रहे हैं और एक अच्छा खासा ब्रांड है बियर का जो बांबू से बनती है और लोग उसको बेचते हैं। तो दोस्तों आज तक आपने बांबू के बारे में ऐसा दुकान देखा होगा, हमारे देश में ऐसे ही दुकान होते हैं, आपने देखा होगा कि बांबू से क्या बनते हैं, बादली बनती है, ऐसे टोपलियां बनती है और ऐसे जो कुछ दिख रहे हैं आपको ऐसी कुछ चीजें बनती है। बस जब भी बांबू के बारे में आप सोचते हैं तो आप क्या सोचते हैं, बस इस प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है, आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि आज बांबू से क्या क्या बन सकता है, क्या हो सकता है बांबू के साथ। मैं अपना खुद का अनुभव आपको बोलता हूं, खुद का अनुभव। मैंने जब इस टॉपिक को डिसाइड किया कि मैं बांबू के ऊपर टॉपिक लूंगा इस बार, तो मुझे भी यही था कि बांबू के ऊपर क्या एक टॉपिक सा होगा, मैं आपको बताऊंगा वगैरह। मैंने जब पढ़ा उसके बारे में, रिसर्च किया, तब मुझे पता चला इतना कुछ हो सकता है बांबू से, इतना कुछ पॉसिबल है, इतना इनोवेशन, इतना सब कुछ, इतना इतनी पॉसिबिलिटी, हर चीज में। तो मुझे तो सीरीज लेनी पड़ेगी अगर हर चीज को मैं अच्छी तरह से आपको बताऊं, इतना हो रहा है बांबू में, इतना कर सकते हैं बांबू में। और दोस्तों भारत एक ऐसा देश है कि भारत हमारे देश में समाज है, कम्युनिटीज है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हजारों सालों से बांबू का काम करते आ रहे हैं। मैं आपको एक तथ्य बता रहा हूं, एक मैं स्टेटस आपको बताता हूं कि चाइना जो नंबर वन है पूरी दुनिया में इस बांबू के लिए, उससे ज्यादा जमीन बांबू के अंदर अपने पास है भारत में, क्या आपको पता है? और इतने सारे लोग हैं कि जिनकी रोजी रोटी है बांबू के ऊपर, जिनका खाना है बांबू के ऊपर, जिनका स्पेशलाइजेशन है बांबू के ऊपर, हमारे देश में हमारे यहां ये लोग जो बांबू के ऊपर जीते हैं आज कोरोना में 2 साल, लेकिन आज की भी परिस्थिति क्या है उनकी, पहले वो समझ कर क्या उनकी परिस्थिति है। 50 साल, 100 साल पहले या 200-400 साल पहले जो बांबू के चीजें तैयार होती थी वो भी आज ही वैसे ही आज वो कर रहे, हाथ से ही कर रहे, ये बाकी का चीज मुझे ज्यादा उस डिटेल में पता नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा ही हो रहा है। आज भी वो रस्ते के ऊपर बैठे हैं उनके उस शॉप में और इस तरह से माल बेच रहे है कि नहीं, ऐसा ही हो रहा है। ना कोई टेक्नोलॉजी, ना कोई अपग्रेडेशन, ना कोई प्रोसेसिंग, ना सब कुछ दिखाई नहीं देता बांबू के बारे में। और इस कोरोना की वजह से जब लॉकडाउन हुआ 2 साल, आप सोचिए इन सभी परिवारों का क्या हुआ होगा, कहा बहुत बहुत कठिन परिस्थिति,
आई इनके जो ऐसे काम करते हैं, जो ऐसी मेहनत करके अभी बेचते, पूरी तरह से बाजार बंद था, मार्केट बंद था, इनकी बहुत भयंकर कंडीशन हो गई। और सोचिए अगर हम ये बांबू से कितना अच्छा इनकम, ना सिर्फ इनको उगाने वाले किसानों को कितना हो सकता है। सिर्फ हमें क्या जरूरत है, मैं आपको बता दूं, जरूरत है हमारा नजरिया बदलने की, ये पर्सपेक्टिव चेंज करने की। क्योंकि देखे नहीं, इस बांबू को अगर हम लोग अपनी इंडस्ट्री की तरफ देखे, इंडस्ट्री के जैसे देखे, तो क्या नहीं कर सकते बांबू के साथ, और इनको क्या जरूरत है रस्ते पे बैठने की। अमेजोन के ऊपर आज इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां वो ऑनलाइन माल बेच रहे, ये लोग कितने अच्छी तरीके से जी सकते हैं, कितनी अच्छी तरह से माल हम लोग तैयार करके बेच सकते हैं। लेकिन बिजनेस का जो है ना आउटलुक, ये तैयार करना जरूरत है। मैं आपको बोलता हूं कि एमसीएल में ऐसी कोई भी चीज हम लोग नहीं कर रहे कि जो कभी हो ही नहीं रही, या पहली बार हम लोग कर रहे हैं, पहली बार ऐसे स्पेस का कुछ भी नहीं कर रहे। एमसीएल में सिर्फ यही काम कर रहे हैं। एमसीएल में हम लोग इस चीज के तरफ देखने का नजरिया बदल रहे हैं। और इस बांबू को भी अगर हमें अलग लेवल पे लेके जाना है, तो ये काम करेगा एमसीएल। एमसीएल का एक ही उद्देश्य है, बस इस सभी चीजों को, ये जो परिस्थितियों को हमारे पास पोटेंशियल है, हम लोग लेट अस नॉट फॉरगेट, भूलते नहीं है कि पूरी दुनिया में 90% ऑफ द टाइम हम लोग सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, 30% से ज्यादा जीडीपी हम लोग तैयार करते थे। ओके, तो इतना पोटेंशियल आज भी, अगर मैं बांबू की बिजनेस की बात करूं, तो बांबू के बिजनेस में भी वो पोटेंशियल है, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो लोग हो, चाहे कुदरत ने दिया हो, क्लाइमेट, सब कुछ अपने पास, सिर्फ वो नजरिया बदलने का काम एमसीएल करेगा। और यही एमसीएल का मकसद है, यही एमसीएल की फिलोसफी है। बांबू यहां तक खत्म नहीं हो रहा है, बांबू के बारे में इतना कुछ मुझे बताना है आपको, तो अगले हफ्ते फिर से मैं ये पूरा जो मार्केट एस्पेक्ट है, ये सब कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो तब तक प्लीज कृपया आप अपना ख्याल रखें, और ये अच्छा जबरदस्त काम चालू रखिए। धन्यवाद।